कैसे आप लोग? अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ब्लॉग लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए दोबारा, और कोशिश की है कि आप बिल्कुल भी बोर ना हो, यही कोशिश रहेगी मेरी। और अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं कुछ लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स मी, तो मैं उसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करूँगी। तो ज़्यादा ना बोलते हुए पहले आप ब्लॉग देख लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी क्या थी कहानी। तो सरप्राइज़ हुई मैं किस बात के लिए, तो वो आप देख लीजिए कैसे क्या हुआ, तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। तो आपका भाई वीडियो आपने देख लिया और आपको पता भी चल गया कि आज मेरा बर्थडे है 12th May, और आज बर्थडे है, खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और हर साल मेरे हस्बैंड, यू नो, बहुत लवली हस्बैंड है मेरे पास, और हर साल वो मेरे लिए केक लेके आते हैं। तो जो गिफ्ट होता है, गिफ्ट जो होता है वो हमेशा कहते हैं कि चलो तुम मेरे साथ चलो, कुछ भी तुम्हें खरीदना है, क्लोथ्स हो, ज्वेलरी हो, कुछ भी खरीदना हो तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ खरीद लूँगा। क्योंकि वो सरप्राइज़ नहीं देते कभी भी, ये पहली बार था जो उन्होंने मुझे सरप्राइज़ किया। कभी भी सरप्राइज़ नहीं मिला आज तक शादी के बाद। उनका कहना यही है कि मैं कुछ भी लेके आ जाऊँगा, तुम्हें पसंद हो या ना हो, तुम उसे मेरे, यू नो, मेरा दिल रखने के लिए तुम उसको पहना करोगी। तो इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि तुम अपने आप अपनी पसंद से चीज़ें लो, तो तुम उसे अपने मन पसंद की चीज़ें, यू नो, इंसान हमेशा खुश हो के उसको एक्सेप्ट करता है, पहनता है। बट अगर किसी की चीज़ आपने सरप्राइज़ दे दिया और वो पसंद भी नहीं है, यू नो, पहन नहीं है, अच्छा लगे या नगे लगे, तो ऐसा मेरे हस्बैंड का मानना है। तो शादी के बाद से हमें, चाहे एनिवर्सरी हो चाहे बर्थडे हो, तो हमेशा वो मुझे अपने साथ लेके जाते हैं बर्थडे के कुछ दिन पहले, और मेरा गिफ्ट मुझे दे देते हैं। तो इस साल भी उन्होंने ऐसे ही किया, वो मुझे लेके गए, हम मॉल गए थे, और वहाँ से मैंने ये जो मैंने सूट इस टाइम पहना हुआ है
ये सूट मैंने ख़रीदा है विद प्लाजो, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो मेरे पास वाइट कलर का कोई सूट नहीं था। एक्चुअली बंगाली परिवार में वाइट ज़्यादा पहनना पसंद नहीं करते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं वाइट पसंद नहीं करते हैं। तो ये मैंने शादी के बाद मेरा पहला सूट है जो वाइट कलर का मैंने ख़रीदा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली इसमें मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें थोड़ा चिकन वर्क है, आप देख सकते हैं थोड़ा चिकन वर्क है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका गला भी मतलब बिल्कुल सिंपल है बट मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसको ख़रीद लिया। तो मुझे लगा कि ठीक है, केक कटिंग तो होगा ही, वो मुझे पहले से ही पता रहता है हर साल, चाहे एनिवर्सरी चाहे बर्थडे, और मैंने क्लोथ्स ख़रीद ही लिया था। तो और मुझसे पूछ रहे थे कि और कुछ लेना है, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं इट्स ओके, मैंने ख़रीद लिया है, मुझे और नहीं ज़रूरत है। तो जब वो रात को आए तो मैंने देख लिया कि उनके हाथ में केक का बॉक्स था। फिर उसके बाद 12 बज गए, 12 बजने के बाद उन्होंने केक कटिंग करवाई मुझसे, जैसे कि आपने देखा मेरी डॉटर भी थी मेरे साथ में। तो और वो ज़बरदस्ती है ना, उसका कहना था कि वो केक काटेगी, जैसे आपको पता है बच्चों का कि नहीं मम्मा का बर्थडे नहीं है, आज मेरा बर्थडे है तो मैं काटूंगी। तो मैंने कहा चलो एक साथ काट लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेबी है छोटी समझती नहीं है। तो हम दोनों ने मिलके केक काटा, तो उसके बाद उन्होंने बॉक्स निकाला और उन्होंने मुझे दिया कि इट्स योर बर्थडे गिफ्ट, तो देखो तुम्हें पसंद आया कि नहीं। तो मैंने देखा उसमें डायमंड रिंग थी और मैं शॉक्ड हो गई कि आप अपनी मर्जी से मेरे लिए पसंद करके लेके आए, ये कैसे हो गया। बट सीरियसली मुझे रिंग बहुत पसंद आई क्योंकि उनकी पसंद वैसे भी बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत पसंद आई रिंग और मैंने पहना हुआ भी है। तो मेरा मन भी था कि एक स्टोन वाली रिंग मैं ख़रीदूँ डायमंड में, वैसे मेरे पास है और भी रिंग बट उसमें ऐसी टाइप की कोई रिंग नहीं थी मेरे पास एक स्टोन की। तो ये उन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी मेरे बर्थडे में। तो मेरा बर्थडे बहुत अच्छा, मतलब रात को तो बहुत अच्छा था और अच्छा ही जा रहा है। तो ये छोटा सा ब्लॉग था आप लोगों के लिए मेरे बर्थडे के लिए। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए, आई नीड योर कमेंट्स। लोग देख लेते हैं, व्यूअर्स जितने, वैसे तो मेरे चैनल पे कम व्यूअर्स है ये तो आप सभी को पता है, और मैं मेहनत कर रही हूँ ताकि मेरे व्यूअर्स इंक्रीज़ हो जाए। तो जितने भी व्यूअर्स देखते हैं, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ भी आप चाहते हैं मेरे ब्लॉग में या मेरी कुछ भी कमी हो आप प्लीज़ मुझे बताइए, आई डोंट फील बैड बिकॉज आप मेरे अच्छे के लिए ही कहेंगे मुझे। तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, और अगर ये छोटा सा व्लॉग है अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दे दीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया थैंक यू, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो तब तक के लिए फिर बाय, दोबारा मैं नए ब्लॉग के साथ आऊँगी, बाय।